सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के 486वें प्रकाशोत्सव को लेकर स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। इस दौरान गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बड़े ही धूमधाम से प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान स्थानीय रागी जत्था भाई सुबोध सिंह के द्वारा कई कीर्तन प्रवाह किए गए, जिसे सुनकर सिख संगत निहाल हो गई। मौके पर गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने बताया कि गुरु रामदास ने ही रामदासपुर की स्थापना की थी, जो आज अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है। इन्होंने 30 रागों में 638 रचनाएं लिखी। गुरु रामदास जी ने अंधविश्वास, जाति प्रथा व कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि 31 सितंबर से अखंड पाठ की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आज हुआ। समाप्ति के पश्चात अरदास व लंगर का आयोजन किया गया। लंगर की सेवा सरदार देवेंद्र पाल सिंह टुटेजा की ओर से किया गया। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह सलूजा, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, गुणवंत सिंह मुंगिया, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, गुरभेज सिंह कालरा, कुंवरजीत सिंह, गुरदीप सिंह बग्गा, अवतार सिंह, राजू चावला, डिम्पी खालसा, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह समेत समाज के कई महिला पुरुष व बच्चे मौजूद थे। आज हम लोग बहुत ही खुशी, बड़े ही उत्साह, बड़े ही उल्लास के साथ अपने चौथे गुरु धन धन श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। जो इनका जन्म 1614 ईस्वी में हुआ था, तो 384वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं इनका। और इस प्रकाश पर्व में हम यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी सेवा से अमृतसर नगर, जो कि आज हम लोग का वहाँ पर आप लोग देखते होंगे बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, ये उन्हीं का बसाया हुआ है, जो कि गुरु रामदास नगर भी कहलाता है। और इन्होंने ही अपने कार्यकाल में अपने गुरुगद्दी देने के बाद सारी संगत को जोड़ करके और एक इतना बड़ा काम किया है कि आज भी सारे लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा से याद करते हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह से हमेशा कार्यक्रम चलते हैं, उसी तरह गुरुवाणी गुरुवाणी विचार और इसके बारे में सारी जानकारी जो देना, इसके साथ साथ जैसे अखंड पाठ, गुरु का लंगर और जो कार्यक्रम हमेशा से चलते हैं, उसी प्रकार उसी उत्साह के साथ आज हम लोग गुरु पर्व मना रहे हैं। सारी संगत को, सारे लोगों को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आज हमारे सिखों के पांचवें गुरु गुरु रामदास जी का जन्म, चौथे गुरु गुरु रामदास जी का जन्म दिवस है और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे ये चौथे गुरु जो गुरु रामदास जी हुए हैं, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी और वहाँ पर इनका आज भी स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा, जो आज हम लोग याद वहाँ मक्का मदीना की जैसे हम लोगों के सब सिख समाज के लोग वहाँ पर जाते हैं और आज वहाँ पर माथा टेकते हैं, आज उन्हीं का जन्मदिवस है। और यहाँ पर गिरिडीह में बहुत ही मतलब धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए इसका ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, हमारे सादगी से इसको हम लोग मना रहे हैं।